होली के त्योहार को लेकर असमंजस दूर, नगर व्यास से विशेष बातचीत। कला और संस्कृति की धरोहर मेवाड़ की धरती राजस्थान, जहां भिन्न भिन्न त्योहार अपने अपने क्षेत्रों का महत्व बताते हैं। पिछले कई समय से इन त्योहारों को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां देखी गई। अमूमन कई त्योहार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन मनाए जा रहे हैं। इस बार भी होली पर्व को लेकर लोगों के मन में काफी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि होली 6 मार्च को होगी या 7 मार्च को। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी की शाम को होलिका दहन होता है और पूर्णिमा को धुलंडी मनाई जाती है। इस बार भी 6 मार्च चतुर्दशी को प्रदोष भद्रा काल होने के कारण असमंजस की स्थिति है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने नगर व्यास और ख्याति प्राप्त ज्योतिषी राजेंद्र व्यास से विशेष बातचीत की। नमस्कार। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, जहां पर हर दिन एक नया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इन्हीं त्योहारों पर लोग गृहिणियां अपने अलग अलग व्यंजन बनाती है। अलग अलग त्योहारों को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हर प्रांत में त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, परंतु पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हर त्योहारों को लेकर भ्रांतियाँ फैली जाती है कि ये त्यौहार इस दिन नहीं और किसी और दिन मनाया जाना है। तो आइए, हमारे साथ आज विराजमान है नगर व्यास भीलवाड़ा राजेंद्र जी पंडित साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार भी होली पर जो संदेह है लोगों के दिमाग में कि 6 तारीख है, 7 तारीख है, तो उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इनसे चर्चा करेंगे। इस बार भी होली को लेकर के काफ़ी संदेह है लोगों के दिमाग में कि 6 तारीख या 7 तारीख कब मनाई जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार का। भारत एक विस्तृत भूभाग है और विस्तृत भूभाग होने के कारण हमारे यहाँ अक्षांश रेखांश सत्तर संख्या का इसका सबका फर्क पड़ता है। सूर्योदय सूर्यास्त का फर्क पड़ता है, उदय और अस्त का भी फर्क पड़ता है, और तिथि के मानक जो होते हैं घटीपल उनका फर्क पड़ता है। तो भारत में क्या ये देखा जाए तो होलिका दीपन के दिन बहुत सी जगह सायंकाल 4:16 पर भद्रा लग जाएगी और सूर्यास्त 6:09 से पहले है। तो जहाँ 6:09 से पहले सूर्यास्त है वहाँ 7 तारीख को होलिका मनाई जाएगी, और जहाँ 6:30 का सूर्यास्त है इसके बाद का सूर्यास्त है तो रात्रि जो भद्रा दिन में चालू होती है रात्रि तक चलती है, निशित मध्य रात्रि तक, या जो भद्रा रात्रि को चालू होकर के दिन को चलती तो भद्रा उसका शास्त्रों में पीयूष धारा इत्यादि अनेक ग्रंथ में उसका बताया गया कि भाई वो भद्रा दोष रहित हो जाती है। इसीलिए हमारे कम से कम राजस्थान प्रांत में या पश्चिमी भाग जो बम्बई गुजरात इधर आ रहा है इन प्रांतों के अंदर जो है होली का दीपन 6 मार्च को रहेगा, 7 तारीख को धुलंडी रहेगी, और जो पूर्वी भाग जो लखनऊ के आगे के भाग आ रहे हैं या दिल्ली से आगे के मेरठ आगे के प्रांत इधर कलकत्ता इधर उधर 7 तारीख को दहन होगा और 8 का जो है वहाँ पर यह धुलंडी उत्सव मनाया जाएगा। और सब क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र से इसमें अपनी मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से लोग इसका अक्सर ये देखा गया कि जो ये त्यौहार है कहीं ना कहीं के पंचांग पर निर्धारित रहते हैं, तो अपने यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में किन पंचांगों का महत्व देते हैं? मेवाड़ में खास करके श्रीधरी पंचांग श्रीधरी चंडांशु पंचांग जो है वर्षों से प्रचलित है और हमारे पिताजी के पास ही हम वही देखते आए थे। आदरणीय हमारे पिता श्री लादूराम जी व्यास भी नगर व्यास थे, उन्होंने भी वर्षों तक ये निर्णय श्रीधर पंचांग से किया और हम भी श्रीधर पंचांग से ही करते हैं, पर वर्तमान में आजकल यहाँ हमारे उदयपुर का एक मेवाड़ विजय पंचांग भी अच्छा प्रचलन में आ गया, ज्योतिष मार्तन पंचांग भी आ गया, पर मेन श्रीधर पंचांग के आधार से व्रत उपवास इनका निर्णय हम लोग करते हैं। तो अमूमन ये देखा गया कि पिछले काफ़ी समय से, मतलब पिछले 2-4 सालों से ये देखा गया कि हर त्यौहार में लेकर के भ्रांतियाँ पैदा हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण सूर्य की जो गति है उससे करीब 25-30 सेकेंड का फर्क पड़ता जाता है और हमारा भारत भूभाग विस्तृत भारत भूभाग बहुत लंबा, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के इस समय के अंतर को और तिथियों की गड़बड़ी के अंतर के कारण ये कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है कि दो दो तिथियों पर एक पर्व मनाया जाता है। जैसे सन 2018 के अंदर भी जो है विजयादशमी पर्व पूरे भारत में दो भागों में मनाए गए, 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को। इसी प्रकार से दुर्गाष्टमी पूजा जो की जाती है सन 2020 के अंदर भी 23-24 अक्टूबर को मनाई गई थी, 23 को भी मनाई गई थी, 24 को भी मनाई गई थी। और जैसे भी वर्तमान में हम देखते हैं कि पहले एक तिथि निश्चित होती थी, जैसे मकर संक्रांति बोले तो 14 जनवरी, पर ये पहले आज के 30 साल पहले के पंचांग को उठा के देखेंगे तो वो 13 जनवरी पर चली जाएगी और आने वाले समय में अब ये वर्तमान में 15 जनवरी से चल गई, तो जब बच्चे लोग सब देखेंगे तो एक बार से उनके मन में भावना हो जाएगी, बोले मकर संक्रांति बोले तो 15 जनवरी, पर जब कुछ समय बाद ये चेंज होगा तब तो उनके 16 को कैसे आ गई, पर ये तो एक
सूर्य की गति में जो अंतर चलता रहता है, तिथियों की गठबंध का जो अंतर चलता रहता है, उसकी वजह से एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई विशेष किसी का दोष नहीं। कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया को आप मानते हैं क्या? नहीं, इसके पीछे सोशल मीडिया का नहीं है। यह गणित जो है बहुत से पंचांग वाले जयपुर से करते हैं, बहुत से दिल्ली वेधशाला को लेकर करते हैं, बहुत से जो है उदयपुर वेधशाला को, बहुत से जयपुर वेधशाला को लेकर करते हैं। जो जिस क्षेत्र की वेधशाला को लेकर के करता है वो उसके हिसाब से अपनी गतिक्रम को लेकर चलता है, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और ये थोड़ा बहुत अंतर ही हमारे क्या कि हमारे पंचांगों में बहुत से व्रत और त्यौहार तो उदिया तिथि से लिए जाते हैं और बहुत से गतिबुल के आधार से लिए जाते हैं। जैसे पहले हमारे एक बार बसंत पंचमी में भी ऐसे ही चक्कर पड़ा था कि चतुर्थी दिन 12 बजे बाद में पंचमी तिथि आ गई थी, तो चतुर्थी को ही बसंत पंचमी मनाई गई थी। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें ऐसा कोई सोशल मीडिया का रोल नहीं। तो ये थे हमारे साथ नगर व्यास राजेंद्र गोपाल जी व्यास, और इनका कहना है कि सूर्य की गति के हिसाब से त्योहारों का जो तिथियाँ जो परिवर्तन होती है, तो इस बार भी कोई संदेह नहीं है। अमूमन भीलवाड़ा शहर में 6 तारीख को ही होली का दहन होगा और 7 तारीख को धुलेंडी का कार्यक्रम रहेगा। भीलवाड़ा से नवार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।